हेलो डियर नॉर्थ साइड एस्पिरेंट, मैं तरुण सैनी आपका स्वागत करता हूँ TSL में। आज हम बात कर रहे हैं पेनक्रियाज के बारे में, बहुत एक काम का ऑर्गन है पेनक्रियाज। ध्यान से समझिएगा, एक तो ये फ्लैट एंड ऑर्गन है। फ्लैट का मतलब क्या है कि इसकी विड्थ कम है और लेंथ ज़्यादा है। ये 12.5 टू 15 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ हो सकती है। ध्यान से समझिए कि इसके अंदर जो पेनक्रियाज की बात करें, इसके जितने भी सेल्स हैं, जितने भी टिश्यूज हैं, ये क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं, क्लस्टर में। और जो इसके मेजर क्लस्टर हैं, ये मिलके बनाते हैं, जो ग्रुप्स बनते हैं क्लस्टर के, उनको बोलते हैं एसिनाई। और जो कुछ टिनी क्लस्टर्स हैं, वो बनाते हैं आइसलेट्स ऑफ पेनक्रियाज या पेनक्रियाटिक आइसलेट्स। ध्यान से समझिएगा। तो पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, जिनको एसिनाई बोला है। ये एसिनाई है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि ये पेनक्रियाटिक एंजाइम्स सीक्रेट करती है। और ये पेनक्रियाटिक एंजाइम पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ड्यूडोनम में, बोले तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन हो जाते हैं। बट ध्यान से समझिएगा, एसिनाई पेनक्रियाटिक एंजाइम बनाते हैं, और जो पेनक्रियाटिक डक्ट है ना, वो बाइकार्बोनेट रिलीज करता है। इस वजह से ये पेनक्रियाटिक सीक्रेशंस है ना, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स के, ये एल्केलाई होते हैं नेचर में, बेसिक होते हैं नेचर में, क्योंकि इनके अंदर बाइकार्बोनेट ऐड कर दिया गया है। दूसरी बात कि जो टिनी क्लस्टर्स प्रेजेंट हैं, जिनको हमने बोला है आइसलेट्स ऑफ लैंग्रेंस या फिर आइसलेट्स ऑफ पेनक्रियाज या पेनक्रियाटिक आइसलेट्स, एक ही बात है। ये केवल 1% ही है। पूरी पेनक्रियाज का 99% जो मास है, वो कौन सा है, एसिनाई से बना हुआ है, जबकि 1% कौन सा है, आइसलेट ऑफ लैंग्रेंस। और ये आइसलेट्स है ना, ये प्रेजेंट है टेल के अंदर, जो पूरी पेनक्रियाज के टेल के अंदर मेनली प्रेजेंट है। अब एक आइसलेट्स को ले लेते हैं। एक आइसलेट्स के अंदर हमारे पास चार तरह की सेल है। ठीक से समझिएगा, आज के बाद बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप इसको। चार तरह की सेल है। पहली है अल्फा सेल, इसको ए सेल भी बोलते हैं। दूसरी है बीटा सेल, इसको बी सेल भी बोलते हैं। तीसरी है डेल्टा सेल, जिसको डी सेल भी बोलते हैं। और चौथी है पीपी सेल, जिसको हम एफ सेल भी बोलते हैं। पीपी सेल, जी सेल भी बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, चार तरह की सेल्स है। अब हमें क्या करना है, चारों के अरेंजमेंट देखने हैं, उसके हॉर्मोन्स देखने हैं। तो बात करते हैं अल्फा सेल की, कि अल्फा सेल से जो हॉर्मोन आता है, वो आता है ग्लूकागोन हार्मोन। कौन सा आता है, ग्लूकागोन हार्मोन। और याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है कि कब रिलीज होगा, व्हेन ग्लूकोज इज गॉन। भाई ग्लूकागोन को तोड़ दीजिए, ग्लूकोज इज गॉन, देन रिलीज ऑफ ग्लूकागोन। जब भी हाइपोग्लाइसेमिया होगा तो डेफिनेटली क्या रिलीज होगा, ग्लूकागोन रिलीज होगा, ठीक है। दूसरी हम बात कर रहे हैं कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये बी सेल के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बी सेल के चारों तरफ। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको याद रखना। दूसरा है बीटा सेल। बीटा सेल जो है वो सीक्रेट करती हैं चार हार्मोन, याद रखिएगा, चार हार्मोन, इंसुलिन, प्रो इंसुलिन, सी पेप्टाइड एंड अमाइलिन, ये चार हार्मोन है। इंसुलिन कब सीक्रेट होगा, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा, तब जाके इंसुलिन सीक्रेट होगा। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये टेल में तो सभी हैं, बट बहुत सारे आइसोलेट ऑफ लैंग्रेंस प्रेजेंट है। उनमें से एक आइसोलेट को ले लिया, उसमें बहुत सारी सेल्स है चार तरह की, उन सब सेल्स में भी सेंटर में प्रेजेंट होती है, कौन सी, बीटा सेल्स। और उसके बाद हम चलते हैं डेल्टा सेल और डी सेल, ये एक स्पेशल टाइप का हार्मोन रिलीज करते हैं, जिसको बोलते हैं सोमेटोस्टेटिन। ध्यान से समझिएगा, ये क्या करते हैं कि अल्फा सेल के सिक्रेशन को भी कम करते हैं, बीटा सेल के सिक्रेशन को भी कम करते हैं, और GIT से जो ग्लूकोज वगैरह का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जो फैट का, प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन, उसको भी कम करते हैं। सभी तरीके से कम कर रहा है, चारों तरफ से चीज़ों को कम कर रहा है, इसलिए हम इसको यहाँ पे बोल देते हैं यूनिवर्सल इनहिबिटरी हार्मोन, सोमेटोस्टेटिन। ध्यान से समझिएगा, सोमेटोस्टेटिन। नेक्स्ट आता है आपका पीपी सेल और जी सेल। ये क्या करती है कि गैस्ट्रिक पॉलीपेप्टाइड रिलीज करती है, जो डाइजेशन में काम आती है, जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी को भी थोड़ा कम करने के लिए काम आते हैं। तो ये चार तरह की सेल्स हुई। मैं समराइज करता हूँ, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और पीपी सेल। अब आपको कैसे याद रखना, ध्यान से समझ। एक मान लेते पूरा का पूरा एक गार्डन है, गार्डन बोले तो पेनक्रियाज है, ठीक है। अब गार्डन में एक हमने स्टेज लगाया हुआ है, मान लो कोई डांस गाने का कोई प्रोग्राम होने वाला, तो स्टेज कॉर्नर में लगाएंगे, ऑब्वियसली बीच में थोड़ी लगाएंगे, तो कॉर्नर में लगाएंगे, मतलब जो आइसलेट ऑफ लैंग्रेंस है वो कॉर्नर में, बोले तो टेल में प्रेजेंट होंगे। दूसरी बात, अब स्टेज बना लिया, स्टेज पे मान लेते हैं कि कुछ प्रोग्राम करने के लिए कुछ ऐसे लोग आए हुए हैं, कोई बहुत ही सुंदर लड़कियाँ आई हुई है। यहाँ पर मैं लड़कियों की
उनका सम्मान पूरी तरीके से कर रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, बट रियलिटी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लो बहुत सुंदर लड़की आ रही हुई है और वो जहाँ पे स्टेज है उस पे कॉर्नर में एक सेंटर में खड़ी। आप सोचिए ब्यूटीफुल गर्ल स्कैटर्ड तो होगी नहीं, इधर उधर, सेंटर में ही रहेगी, ठीक है। और जो आवारा टाइप के लोग होंगे वो उसके क्या होंगे, चारों तरफ होंगे, पक्की बात है। बट अब ये आवारा टाइप के लोग उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो बीच बीच में हमें क्या करना पड़ेगा, पुलिस वाले भी लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और भाई ज़्यादा खतरनाक कोई लड़की आई है तो हो सकता है सिक्योरिटी वाले डॉग भी लगाने पड़े, है ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझना, पर वो बीच बीच में लगाएंगे। तो सेंटर में कौन प्रेजेंट है, ब्यूटीफुल गर्ल, मतलब याद रखो बीटा सेल सेंटर में प्रेजेंट होगी हमेशा, ठीक है। उसके चारों तरफ कौन, हमारा लोग, अल्फा सेल उसके चारों तरफ होगी, बीटा सेल को चारों तरफ से घेर के रखेंगे, ठीक है। और तीसरा कौन सा है, डॉग्स की बात की, सिक्योरिटी के लिए डॉग्स, तो वो चारों तरफ स्कैटर्ड होंगे हर जगह पे, पूरे गार्डन में क्या होंगे, स्कैटर्ड होंगे, चारों तरफ स्कैटर्ड होंगे, ठीक है। और लास्ट में बचा हमारे पास कौन सा, पीपी सेल, जिसको हमने पुलिस पर्सन बोला, ये भी स्कैटर्ड होगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया होगा कि सेंटर में ब्यूटीफुल गर्ल, चारों तरफ हमारा लोग और पुलिस वाले, और डॉग्स चारों तरफ स्कैटर्ड है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा कि अल्फा सेल जो ग्लूकोज रिलीज, ग्लूकागोन रिलीज कर रही है, और बीटा सेल इंसुलिन रिलीज कर रही है, ठीक है। अब ये दोनों काम चलते रहेगा कि एक की एक्टिविटी बढ़ेगी दूसरे की कम हो जाएगी, बट जैसे ही कोई प्रॉब्लम होती है तो कौन इस चीज़ को संभालेगा, डॉग्स जो सिक्योरिटी के लिए मैं, वो बोलेंगे तो फिर सब चुप हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, डी सेल यदि एक्टिवेट होती है ना, इसका मतलब सब कुछ इनहिबिशन हो जाएगा, अल्फा सेल की एक्टिविटी बंद, बीटा सेल की बंद, और जीआई से जो ग्लूकोज आ रहा था वो भी पूरी तरीके से बंद। और लास्ट तो आपको बताइए पीपी सेल, जिसको हमने पुलिस पर्सन बोला है। यदि आपको इसके बारे में भी सुनना है तो कमेंट करके बताइए, इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतने, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।